हाय फ्रेंड्स, मैं पंपी ग्रीन गार्डन आसाम चल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये पीकॉक जिंजर प्लांट है। आज ये एक फूल खिला है फर्स्ट टाइम। इस साल इसमें फर्स्ट टाइम ये फूल खिला है। पिछले साल भी इसमें बहुत सारे फूल खिले थे। ये समर में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है फ्रेंड्स। इसके पत्ते देखिए बहुत ही प्यारी है। पत्तों में देखिए कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारी है इसकी। ये वेरीगेटेड में आते हैं। इनके फूल फ्रेंड्स इस तरह से बीच में से निकलते हैं, जो कि पर्पल कलर में होते हैं। और इनके फूल फ्रेंड्स 12 बजे तक ही खिलते हैं। उसके बाद इनके फूल मुरझा जाते हैं। ये ब्राइट लाइट में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसके पत्ते और फ्लावर्स जल जाते हैं फ्रेंड्स। बारिश के सीजन में इस नीचे से इनके पत्ते निकल आते हैं, लेकिन विंटर सीजन में फ्रेंड्स इनके पत्ते नहीं होते हैं, मरा हुआ जैसा होता है प्लांट। लेकिन इसके नीचे राइजम होते हैं, तो उन राइजम रह जाते हैं। और उनमें से जब बारिश स्टार्ट होती है तो रेनिंग सीजन में उनमें से पत्ते निकलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मिट्टी की बात कहें तो फ्रेंड्स इसको वेल्डन मिट्टी पसंद है। तो मिट्टी बनाते समय आप लोग एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा खाद मिक्स करके उस तरह की मिट्टी में आप लोग इसको लगा सकते हैं। वाटरिंग की बात कहें तो फ्रेंड्स इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो पानी आप लोग चेक करके ही दीजिएगा। जब ऊपर की सॉइल ड्राई हो जाए तब भी आप लोग उसमें पानी ऐड कीजिएगा, नहीं तो इनके राइजम जो होते हैं वो सड़कर गल जाते हैं और आपका प्लांट मर भी सकता है। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। अच्छा लगा तो लाइक शेयर, और मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय।